हाँ जी बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अगर हम बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या आ रहा है? फर्स्ट, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैसे बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में कैसे फंक्शन करता है? हमने तो यही पढ़ा था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। तो कंट्रोलिंग ना इंश्योर करता है जब हम कि जो भी हमारे काम हो रहे हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे जो भी काम हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं, उन सबको चेक करते हैं। तो ये कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग ही हो। अगर काम हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो जो भी हमारी डेविएशन आएंगी, जब प्लानिंग को जब हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो जो भी उसमें डेविएशन होगी तो हम टाइमली एक्शन ले पाएंगे, और टाइमली एक्शन लेने से दोबारा से ट्रैक पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान बनाया कि मैं दिन में 4-4 घंटे पढ़ूंगा, मैं ट्यूशन जाऊंगा, लेकिन आप उतना पढ़ नहीं रहे हो। तो अगर आपकी कंट्रोलिंग हुई आपके ऊपर, किसी जैसे मैंने चेक किया कि हाँ अभी कि तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, क्या तुम रिवाइज कर रहे हो? तुम नहीं पढ़ रहे तो मैं डांट मारूंगा, तुम्हारे घर वालों को कहूंगा, तो दोबारा से तुम पढ़ने लग जाओगे। तो जब दोबारा से पढ़ने लग जाओगे तो इससे क्या होगा, फिर से तुम्हारा गोल जो BST में 95% प्लस आना है वो अचीव होगा। नहीं, तुम्हारा गोल क्या है, 95% अचीव लाना। उसके लिए तुमने प्लान बनाया कि रोज तुम 1 घंटा BST पढ़ोगे, सुमित सर की वीडियोज देखोगे। लेकिन अगर तुम नहीं देख रहे हो तो मैं तुम पे चेक कर लूंगा, हाँ भी वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो। अगर नहीं देख रहे हो तो मैं तुम्हें डांटूंगा, घर में तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। तो दोबारा से जो डेविएशन आई है तुम दोबारा से प्लान ट्रैक पे आ जाओगे और दोबारा से पढ़ने लग जाओगे ढंग से। तो जो कोऑर्डिनेशन आपका कंट्रोलिंग यही करता है कि भैया ये देखता है कि जो भी काम हो रहा है, जो हमने प्लान्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंगली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कोई डेविएशन है तो उसको देखता है कि उसको टाइमली एक्शन लेता है ताकि आप दोबारा से ट्रैक पे आ जाओ। अगर हम सारे काम किसके अकॉर्डिंगली करेंगे, अगर हम सारे काम अकॉर्डिंग टू प्लान्स के अकॉर्डिंगली करेंगे, अपने आप गोल अचीव हो जाएगा। यानी अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ो, रोज रोज मेरी वीडियोज देखो, रोज आप सीरियसली टेस्ट वगैरह सब कुछ दो, तो आपके गोल जो 95% है वो क्यों नहीं अचीव होगा, ऑटोमेटिकली अचीव होगा। लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो प्लानिंग ये चेक करता है कि जो आपने प्लान्स बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे। अगर कोई डेविएशन है तो उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है ताकि आप दोबारा से ट्रैक पर आ जाओ और आपका गोल अचीव हो। इस तरह से कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने में। अगला जो मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम इसकी बात करें कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट कि भैया आपने जो भी हमारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, हमारे रॉ मटेरियल, हमारा टाइम। तो आपका कंट्रोलिंग हर चीज़ पे, आपको पता है कि हर चीज़ पे चेक होना है, तो आप जो भी कोई वेस्टेज नहीं करोगे, कोई भी रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं करोगे, टाइम पे काम कंप्लीट करोगे। पर आप जो भी काम करोगे वो सबसे कम कॉस्ट में करने की कोशिश करोगे। यानी सीधी सी बात है, जब सारे काम अकॉर्डिंग टू प्लान्स होते हैं तो कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, कोई रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होता। इसके अलावा इफेक्टिव यूज रिसोर्सेज होते हैं। इफेक्टिव यूज रिसोर्सेज मतलब कम से कम रिसोर्स रॉ मटेरियल लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, कम से कम टाइम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। तो जो जब आपकी कंट्रोलिंग होती है, आपके ऊपर चेक करने वाला कोई होता है, तो आपकी कोई वेस्टेज नहीं होती है, और साथ में इफेक्टिव यूज रिसोर्सेज होते हैं, कम से कम रिसोर्स लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होता है। थर्ड है बच्चों आपका इम्प्लॉय मोटिवेशन। बच्चों जब आपकी कंट्रोलिंग करने के लिए जब आपको पता है स्टैंडर्ड्स बनते हैं, तो स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग के दौरान हम पहले से ही बहुत अच्छी तरह से अपने इम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और आपको कैसे इवेल्युएट किया जाएगा। जब उनको पहले से पता होगा हमें क्या करना है, कैसे करना है और कैसे में चेक हुआ होगा, तो वो उस काम को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। एक तरह से उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हमें उन्होंने, ये भी एक तरह का मोटिवेशन है, अगर उन्हें काम अच्छी तरह समझा देना तो ये भी उन्हें तरह, अगर कंट्रोलिंग में हम उसको अच्छी तरह स्टैंडर्ड समझाते हैं, उन्हें बताते हैं काम कैसे करना है, तो जब उन्हें क्लियरली पता होगा उन्हें काम कैसे करना है, कैसे चेक होगा हमारा काम, तो ये उनको एक तरह मोटिवेशन मिलेगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक ह्यूमन बींग है, जैसे एक एम्प्लॉय है, उसे सेल्स मैन उसे बता दिया कि आपको रोज के 10 यूनिट्स बेचने हैं। अगर आपने रोज के 10 यूनिट बेचे और महीने में 300 यूनिट्स बेच दिए, तो आपको हमें कैश रिवॉर्ड देंगे, आपको बैंकॉक घूमने भेज देंगे, तो उसे एक मोटिवेशन मिलेगी। तो भैया एक तरह से उन्होंने स्टैंडर्ड पहले ही बता दिया कि रोज के 10 यूनिट बेचने हैं, महीने के 300 यूनिट बेचने हैं। अगर आपने 300 यूनिट से ज्यादा बेचे, या आपकी इसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी और आपने ऐसा किया, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, हो सकता है आपको प्रमोशन दिया जाए, हो सकता है आपको रिवॉर्ड दिया जाए। तो मुझे वो ऑब्वियसली उसे एक मोटिवेशन मिल जाएगा। कंट्रोलिंग तो हुई, स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश हुआ और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर हुई, और अगर उसने अच्छा काम किया तो उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं अच्छा काम करेगा। तो एक तरह से ये उसे मोटिवेशन मिल गई।
फोर्थ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में, कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन। कंट्रोलिंग हमें कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन एक्शन जो ना काम करते वक्त हमें हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में। कैसे बच्चों? देखिएगा, इट आपका कंट्रोलिंग इंश्योर करता है, इट मेक श्योर दैट कि जो भी प्रॉपर डायरेक्शन टेकन, जो भी हम काम हो प्रॉपर डायरेक्शन से हो। डायरेक्शन का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पे डायरेक्शन मतलब है जो भी हम काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान्स करें, जो भी हम काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान्स करें, ठीक है जी। तो जो भी आप कंट्रोलिंग होती है वो ये इंश्योर करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन में करें, जो भी काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान्स करें, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके बाद इट मेक श्योर दैट जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो कंट्रोल्ड हो अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, जो हमने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए थे, चाहे छोटे छोटे जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम करें, उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल्ड होते हैं। तो जब सारे डिपार्टमेंट जो हमने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होंगे तो वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट तो करेंगे ही, अगर वो प्लान्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो हेल्प एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो कोऑर्डिनेशन तो अपने आप ही आ जाएगा। ऑल डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। तो सीधी सी बात है, अगर हम सारा प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो होगा, अगर सारा काम अकॉर्डिंग टू प्लान होगा, सारे डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स काम करेंगे, तो अपने आप ही सारे डिपार्टमेंट में क्या आ जाएगी बच्चों? कोऑर्डिनेशन आ जाएगी। तो कंट्रोलिंग इस तरह से हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन लाने में। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। आपका कंट्रोलिंग हमें ऑर्डर और डिसिप्लिन लाने में मदद करता है। आपको पता है आपके ऊपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर टीचर का चेक है, आपको मेरा चेक है, तो आप ऑब्वियसली पढ़ोगे। अगर मैं टाइम टू टाइम आपको देखता रहूंगी आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, तो आप ऑब्वियसली एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे, टाइमली आप पढ़ोगे, ठीक है ना। इसी तरह इट मेक श्योर दैट सबोर्डिनेट परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली। ऑब्वियसली हर सबोर्डिनेट को पता है कि मेरा परफॉर्मेंस चेक होनी है, मेरी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाएगा। तो जब उसे पता है कि मेरा काम चेक होगा तो वो एफिशिएंटली काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, या नहीं किया जाएगा तो उसको डिमोशन हो जाएगी उसकी। तो जी आप जो कंट्रोलिंग होती है तो हर बंदा एफिशिएंटली काम करता है। तो जो जब शार्प कंट्रोल होता है, जब इंप्लॉयज के शार्प कंट्रोल होता है, तो जो इंप्लॉयज डिसऑनेस्टी भी नहीं करते, फ्रॉड भी नहीं करते, अगर करेंगे तो उन्हें पता है पकड़े जा सकते हैं, और जब पकड़े जाएंगे तो उनको फटाफट निकाल दिया जाएगा। बच्चों इससे हमारा ऑब्वियसली कंट्रोलिंग से ऑर्डर और डिसिप्लिन आएगा। जहां कहीं पे भी कंट्रोलिंग होती है, जहां पे भी चेक्स होते हैं, तो आपको पता है आपको बोर्ड है, आपको क्यों हमें ट्यूशन में इतने टेस्ट क्यों देते हैं, स्कूल्स में इतने टेस्ट में क्यों होते हैं, मार्क्स तो सीधा बोर्ड के लगने हैं, ताकि आपके ऊपर आप डिसिप्लिन में रहो, आप ऑर्डर में रहो। जब आप ऑर्डर और डिसिप्लिन में रहोगे तो आप सही तरह से काम करोगे और बोर्ड में अच्छे अचीव करोगे। इसी तरह इंप्लॉयज का भी अगर देखें तो उन्हें पता है हमारे पास रेगुलर चेक्स होने हैं, हमारी परफॉर्मेंस कंपेयर होनी है स्टैंडर्ड के साथ, तो वो भी डिसिप्लिन में रहेंगे, वो भी ऑर्डर में रहेंगे, वो भी रेगुलरिटी रखेंगे, सब कुछ रहेगा। एक बच्चों अब लास्ट पॉइंट देखिएगा, लास्ट है आपका, ये हमें चेक करता है आपका कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स बने हैं वो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। सिक्स पॉइंट है जो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। कैसे बच्चों? एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स कैसे चेक करता है ये आपका कंट्रोलिंग से जब डेविएशन फाइंड होती है, तो अगर मान लो इंप्लॉय ने ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, मान लो हमने स्टैंडर्ड आउटपुट बनाया 100 यूनिट्स, ठीक है ना, तो इंप्लॉय ने प्रोड्यूस कर दिया 100, मान लो इंप्लॉय ने प्रोड्यूस कर दिया 120 यूनिट्स, तो इससे पता चलता है कि भैया हमें पता चलता है उसका हमने जो स्टैंडर्ड ही बहुत कम पे सेट किया था, ये पॉजिटिव डेविएशन है। हो सकता है हमने अपना स्टैंडर्ड ही बहुत कम किया हो, इंप्लॉय 150 यूनिट बना सकता हो, तो या फिर इंप्लॉय ने बनाया सिर्फ 80 यूनिट्स, हमने जो स्टैंडर्ड था बहुत हाई सेट कर दिया था, हमने स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर डेविएशन बहुत ज़्यादा है, इट मे पॉजिटिव डेविएशन में नेगेटिव डेविएशन, तो इससे पता चल सकता है कि हमने क्या पता स्टैंडर्ड बहुत अंडर एस्टिमेट सेट किया हो, या बहुत स्टैंडर्ड बहुत हाई एस्टिमेट कर दिया हो। तो अगर हमने गलत सेट किया है तो दोबारा से उसे रिवाइज किया जाए, तो क्योंकि अगर मान लो हमने अंडर एस्टिमेट किया है तो अगर दोबारा से हायर स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि इंप्लॉयज में ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा 100 यूनिट सेट कर दिया लेकिन ये इंप्लॉयज के हिसाब से नहीं है, इंप्लॉय जितना टाइम आपने दिया उसके नहीं है, बल्कि उसे कम पे सेट करना चाहिए था। इसके अलावा जो कंट्रोलिंग है वो जो डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट आपने चैप्टर पढ़ाया, बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको पता है बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं प्लान्स उसके अकॉर्डिंगली हर साल रिवाइज होते रहे, क्योंकि हमारे आपको पता है बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, तो उसके अंदर चेंजेस उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें अपने जितने हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने प्लान भी चेंज करने चाहिए। तो जो ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा।
इसमें आपको याद भी हो भी गया होगा, ठीक है जो, थैंक यू।